बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस के स्टूडेंट्स को मैथ की क्लास में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, 1.4 में हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। टाइप 2 का आज हमने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपका कोई लेक्चर मिस ना हो सके और आप अपना सलूशन भी अपने सामने रख लें और कंपेयर करें कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है या उसमें कोई गड़बड़ है। तो क्वेश्चन 8 है जी हमारे पास। 4a प्लस एक्स का अंडर रूट माइनस ए माइनस एक्स का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ए। अंडर रूट खत्म करने के लिए हम बोथ साइड्स का स्क्वेयर करेंगे जी। लेफ्ट साइड पर हम ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वेयर माइनस माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा जी। ठीक है जी, ये अंडर रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो गए। 4a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स। अब ये 4a प्लस ए 5a हो गया और x माइनस एक्स कैंसिल हो गया हमारे पास। तो यहाँ देखें जी, राइट साइड पर स्क्वेयर और अंडर रूट कैंसिल हो गए तो सिर्फ हमारे पास a बचा। अब ये प्लस 5a इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास माइनस 4a बच गया। इधर हमारे पास ये अंडर रूट वाली टर्म है तो अब इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोबारा से स्क्वेयर करेंगे। तो बोथ साइड्स का स्क्वेयर किया हमने तो ये माइनस 2 का स्क्वेयर प्लस 4 ही आएगा जी। ये अंडर रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो गए तो 4 इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ माइनस 4a का होल स्क्वेयर जो है उसका आंसर आएगा 16a स्क्वेयर जी। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी 16a स्क्वेयर। अब देखें जी, मल्टीप्लाई भी एक स्टेप में कर दिया है और ये 16a स्क्वेयर भी हम इधर ले हैं एक स्टेप में। ये यहाँ चलें कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। 4 को 4a स्क्वेयर से किया तो 16a स्क्वेयर, ये वाला 16a स्क्वेयर यहाँ आ गया तो माइनस 16a स्क्वेयर। 4 को 3ax से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12ax और 4 को x स्क्वेयर से किया तो माइनस 4x स्क्वेयर। ये दोनों कैंसिल हो गए जी, हमारे पास बचा है जी माइनस 12ax माइनस 4x स्क्वेयर। यहाँ से माइनस एक्स हमने कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बच गया जी 12a प्लस 4x। अब माइनस एक्स को जीरो के इक्वल किया तो x की वैल्यू आ गई जीरो और 12a प्लस 4x को जीरो के इक्वल किया तो 4x इज इक्वल टू माइनस 12 ओवर a। इसको x के लिए सॉल्व करना हमने तो 12 ओवर a इधर आ गया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई आ रहा था तो इधर आके डिवाइड हो गया तो x का दूसरा आंसर हमारा आ गया जी माइनस 3a। अब हम x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू माइनस 3a को चेक करेंगे। x इज इक्वल टू जीरो पुट किया जी तो x की जगह जीरो आ गया तो 4a, 4a का जब अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट 2a अंडर रूट के नीचे रहेगा। यहाँ a माइनस जीरो तो ये a ही रहेगा। तो यहाँ देखें जी, अब ये 2 अंडर रूट a है और ये 1 अंडर रूट a है, बिल्कुल वैसे ही है। ये बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती 2x माइनस एक्स का आंसर क्या आएगा जी, माइनस एक्स 1x। तो सेम यही है, अब अंडर रूट a और अंडर रूट a दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका 1 है तो 2 माइनस 1 1 अंडर रूट a आ गया जी। यहाँ भी अंडर रूट a है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये आपकी रियल रूट है जी x इज इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, यहाँ देखें ये माइनस तो है जी टर्म का और x की जगह हमने माइनस 3a पुट करना था तो ये माइनस माइनस 3 हो जाएगा तो यहाँ आपके पास आएगा 4a और 4a का आंसर आएगा 2 अंडर रूट a। तो इधर आपके पास प्लस अंडर रूट a है और यहाँ माइनस 2 अंडर रूट a है तो यानी यहाँ पे ये है आपके पास अंडर रूट a माइनस 2 अंडर रूट a इज इक्वल टू अंडर रूट a। तो 1 अंडर रूट a माइनस 2 अंडर रूट a, जैसे यह हमारे पास था 2 अंडर रूट a माइनस 1 अंडर रूट a तो 2 प्लस का था 1 माइनस का था तो यहाँ प्लस 1 अंडर रूट a आया, यहाँ भी प्लस 1 अंडर रूट a ही है तो बोथ साइड्स इक्वल हो गई। यहाँ देखें ये 1 प्लस का है और 2 माइनस का है तो यहाँ हमारे पास आएगा माइनस अंडर रूट a और जबकि राइट साइड पर है प्लस अंडर रूट ए तो बोथ साइड्स इक्वल्स नहीं है तो इसलिए ये आपकी एक्सट्रेनियस रूट्स हैं जी। तो अब हम जल्दी से उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को भी सॉल्व करवा देते हैं जी।
चार ए जमा एक्स का जजर मनफी ए मनफी एक्स का जजर बराबर है ए का जजर जी। तो तरफैन का हमने क्या किया जी, मुरब्बा लिया। तो यह हमारे पास ए मनफी बी के मुरब्बे का फार्मूला अप्लाई होगा। तो पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा मनफी दो जरा पहली रकम जरा दूसरी रकम, और ये मुरब्बा और जजर कैंसिल होकर जवाब आ गया ए। तो यहाँ मुरब्बा और जजर कैंसिल हो गए तो फोर ए जमा एक्स जमा ए मनफी एक्स बचा, और इन दोनों को एक ही जजर के नीचे जरब कर लिया हमने, ठीक है जी। तो यह हमारे पास फाइव ए बचा, फाइव ए हम इधर ले आए तो ये मनफी फाइव ए हो गया, तो ए मनफी फाइव ए मनफी चार ए जवाब आ गया। अब देखें ये रकम यहाँ भी ऐसे ही आई है, ये रकम यहाँ भी ऐसे ही है, ये रकम यहाँ भी ऐसे ही है, ये रकम यहाँ भी ऐसे ही है, यानी चार स्टेप्स में हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसे ही साथ लेते आए हैं, और जब दोबारा मुरब्बा लिया है तो उसमें जाके इसको फिर सॉल्व किया है। वेरी गुड। तो इसको आपने पहले ही ऊपर सॉल्व कर लेना, इन दोनों को आपने पहले ही मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए किया भी हुआ है, देखें ये मल्टीप्लाई किया है और फिर दोबारा मुरब्बा लिया है। यहां भी देखें पहले मल्टीप्लाई किया है फिर सिंप्लीफाइड करने के बाद दोबारा मुरब्बा लिया है, लेकिन बच्चे ऐसे ही करते हैं भूल जाते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करें, इसका इलाज क्या है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा किया करें, ये क्वेश्चन कर लिया इसको दोबारा करें, फिर करें फिर करें, टेस्ट दें इसका। तो आप देखें ये काम जो ऊपर होना था अब यहाँ किया हमने, कोई बात नहीं है। तो मनफी दो का मुरब्बा जो है उसका जवाब आ गया चार। अब इसको हमने मुरब्बा और जजर कैंसिल कर दिया, अब अंदर इसको सॉल्व कर रहे हैं। चार ए को ए मनफी एक्स से मल्टीप्लाई किया, चार ए को ए से किया तो चार ए की दो, चार ए को मनफी एक्स से किया तो मनफी चार ए एक्स, जमा एक्स को ए से किया तो जमा ए एक्स, और जमा एक्स को मनफी एक्स से किया तो मनफी एक्स की दो। अब ये चार ए की दो, इन दोनों को हल किया तो मनफी चार ए एक्स जमा एक ए एक्स तो मनफी तीन ए एक्स जवाब आ गया, और ये मनफी एक्स की दो है जी। अब इनको हमने चार से जरब करनी है जी, चार से सोलह की दो, चार को मनफी तीन ए एक्स से जरब किया तो मनफी बारह ए एक्स, चार को मनफी एक्स की दो से किया तो मनफी चार एक्स की दो, ठीक है जी। और ये हमारे पास मनफी चार ए था, इसका हमने मुरब्बा किया तो ये सोलह ए की दो आ गया जी हमारे पास। अब देखें हम सोलह ए की दो को इधर लेके आएंगे तो ये जमा सोलह ए की दो थी, ये जमा सोलह ए की दो इधर आके मनफी सोलह ए की दो, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा जी मनफी बारह ए एक्स मनफी चार एक्स की दो, तो मनफी एक्स इसमें मुश्तरक ले लिया हमने, अंदर बच गया 12a जमा 4x। तो अब मनफी एक्स को 0 को इक्वल किया तो x का जवाब आ गया 0, और 12a जमा 4x को 0 के बराबर किया तो पहले 12a उधर चला गया मनफी 12a हो गया, 4x इज इक्वल टू मनफी 12a। अब 4 इधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो 12 को 4 से तकसीम किया तो हमारे पास दूसरा जवाब आ गया x बराबर है मनफी 3a। अब हम इसकी करेंगे पड़ताल, पहले x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे जी। तो यहाँ x की जगह जीरो पुट किया तो 4a जमा 0 4a ही आएगा, तो 4a में से 4 का जजर 2 आ गया, a जजर के नीचे रहेगा। यहाँ x की जगह जीरो पुट किया तो a का जजर ही रहेगा हमारे पास, तो ये हमारे पास है 2a का जजर और ये है 1a का जजर, तो 2a के जजर में से 1a का जजर माइनस किया तो 1a का जजर बचेगा। यहाँ पहले ही 1a का जजर है तो ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये आपकी रियल रूट है जी। अब हम x बराबर मनफी तीन ए, यहां मनफी था जी, मनफी तीन ए दर्ज करेंगे तो 4a जमा x था तो 4a मनफी तीन ए, तो जवाब आ गया a का जजर। a मनफी x है तो a मनफी, देखें जी यहां भी वही गलती हुई है, ये माइनस है रकम का और x की जगह हमने माइनस थ्री ए दर्ज करना था, तो यहां पे क्या होना था a मनफी x का जजर है, इसको मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको। तो यहाँ तो a का जजर बच गया ना हमारे पास, तो ये आएगा a मनफी मनफी तीन ए का जजर। अब ये a मनफी मनफी जमा तीन ए का जजर हो जाना था, तो जमा a जमा तीन ए तो ये हो गया चार ए का जजर, तो ये जवाब आ जाना था दो ए का जजर, तो इधर हमारे पास था a का जजर, तो प्लस a का जजर माइनस दो ए का जजर, तो जवाब आना था माइनस ए का जजर, जबकि राइट साइड पर हमारे क्या है प्लस ए का जजर, तो ये दोनों साइडें बराबर नहीं है, तो ये आपकी फालतू असल है जी, ठीक है जी। ये साथ साथ ऐसे ही आता जाएगा आपका, और इधर भी आपका ये पूरा ही मैंने चेक कर दिया जी, आपको क्या याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं,
आप इन वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें ताकि आपकी वजह से उनका भी फायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपका कोई लेक्चर मिस ना हो सके। और आप मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जजाकल्ला।